हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पे आप देख रहे हो पैरट, बहुत सारे पैरट आए हैं, पूरा झुंड है। अभी सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ क्योंकि पैरट बोलते हैं, शुभ होते हैं। अभी सुबह की क्लीनिंग कर रही थी, क्लीनिंग मेरी हो गई ऑलमोस्ट। अभी कपड़े हैं मेरे ढेर धोने को, क्योंकि कल जैसे शादी में गए थे तो शादी के कपड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का होता है कि वो एक बार में ही कपड़े पूरे गंदे कर देते हैं। खासकर बच्चों का होता है कि बच्चे एक बार में ही पूरे कपड़े गंदे कर देते हैं। शादी का साधन खाना होता है ना, हमारे यहाँ पे बहुत ऑयली खाना बना होता है, तो उसके जो दाग धब्बे हैं वो फिर जाते नहीं है। इसलिए यह है कि उन कपड़ों को जल्दी से वॉश कर लो। अभी वो पैरेट वहाँ पे बैठे, वो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, वो पेड़ पूरा ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कुछ फल लगे हुए हैं, ग्रीन ग्रीन। मैं पूरा शॉल ओढ़ के पैक हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है। जैसे यहाँ पे फॉग, अभी तो धूप आ गई लेकिन इससे पहले सुबह सुबह फॉग होती है पूरी। जैसे यहाँ से निकलते हैं स्कूल के लिए तो बच्चों के हाथ तो पूरे ऐसे लगते हैं बर्फ बन गई। पैरेट वगैरह भी ना आजकल ही सर्दियों में ही दिखते हैं, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाते हैं, उसके बाद काफी टाइम तक नसीब नहीं होते। तो अभी ये अचानक से इतना बड़ा झुंड आया है, अभी भी उसी पेड़ पे बैठे हैं, नहीं उठ रहे। जब बुड़ेंगे तब बुड़ेंगे। और ये वाला नाइट सूट मैंने वेयर कर लिया है, इसको मैंने कितनी बार वेयर कर लिया, काफी अच्छा मुझे लग रहा है ये। आवाज आ रही है, पता नहीं उड़ तो नहीं गए। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, वैसे गर्म भी है, वार्म है मतलब, तो अच्छा लग। तो सबसे पहले मैं कपड़े वॉश करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं डिजाइन की वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसको मैं ऊपर धूप में बैठ के, क्योंकि यहाँ पे धूप आती नहीं, नीचे लेंटर पे बैठ के उसको फिर एडिट करूंगी और अपलोड भी कर दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ डिजाइन की वीडियो शूट करने, वो सीखना होगा तो लतवारे फैशन डिजाइनर चैनल पे नहीं, SH फैशन वर्ल्ड पे विजिट कीजिएगा। निटिंग की वीडियो अगर आप सीखना चाहते हो, वैसे अपने से कुछ क्रिएशन जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ अपने हाथों से बनाते हैं, चाहे वो टोपी हो, चाहे वो बुटीज हो, या अपने लिए सॉक्स हो। इनकी वीडियो शूट करने के लिए ना बहुत आम झाम करना पड़ता है, आम झाम मतलब ये देखो यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड है और यहाँ पे मैंने एक टावल नीचे बिछा के रखा है, ताकि जो जब मैं निटिंग की वीडियो शूट करूँ ना तो जो पीछे बैकग्राउंड है वो अच्छा सा दिखे। तो यहाँ पे बैठूंगी, फिर यहाँ पे अपना कैमरा लगाऊंगी कैमरा होल्डर पे, और फिर नीचे शूट करूँगी, मतलब फिर शूट होगी मेरी वीडियो। और ये काफ़ी टाइम लगता है निटिंग की वीडियो शूट करने में, प्लीज़ उस चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। तो अब जाके मेरी निटिंग की वीडियो शूट हो गई है, और उसके साथ मैंने एक शॉर्ट्स भी शूट कर दिया है। अभी मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हो दो जो बकेट मेरी भरी भरी हैं, सर्दियों के कपड़े बहुत हो जाते हैं यार, तो अभी मुझे हाथ से धोने हैं ये फटाफट। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद ना अभी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैंने अभी लंच नहीं किया है, और लंच में आज मेरा खाने का मूड हो रहा है। सुबह मैंने आलू के परांठे दिए थे बच्चों को भी आज, तो आज मैं सोच रही हूँ अपने लिए बनाऊंगी मक्की की रोटी, उसको दूध के साथ खाऊंगी, बहुत टेस्टी होती है। तो थोड़ा सा मेरे पास मक्की का आटा है, साथ में आप भी सीख लोगे मक्की की रोटी बनाना। मक्की की रोटी जब भी बनाते हो ना, मक्की की रोटी को बनाने का ट्रिक होता है, मक्की की रोटी का जो आटा गूंदना होता है ना, उसको आपको गर्म पानी से गूंदना चाहिए। जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, मैंने कैमरा बस ऐसे ही रख दिया है एक जगह, होल्डर पे नहीं लगाया, कैमरा होल्डर पे नहीं लगाया है, तो प्लीज कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। रोटी का जो आटा है ना, वो ना ज्यादा ढीला नहीं करना होता और ना ही ज्यादा हार्ड रखना होता है। बस देखिए इस तरह से गोल, अब इसको इस तरह से घुमाएंगे, नीचे थोड़ा सा पानी लगा के, इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा रही हूँ ताकि मेरी रोटी एकदम से अच्छी बने। अब पता नहीं बनेगी कि नहीं, लेकिन कोशिश तो जरूर कर रही हूँ। इस तरह से घुमा के इसको, और ये ना बीच से बाहर की तरफ को घुमानी होती है, देखो अब जहां से फट रही है वहां से फिर से जोड़ लो। आज के ब्लॉग में मैं आपको मक्की की रोटी बनाना सिखा रही हूँ,
इसको इस तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए। खीर ही मेरी मक्की की गोल गोल रोटी। तो मक्की की रोटी भाई मेरी बन चुकी है, इसको मैंने तोड़ दिया है और मैं जा रही हूँ अभी छत के बाद। अभी मैं आई हूँ इस महाशय को स्कूल से लेकर के, अभी मैंने इसके कपड़े चेंज कराए जस्ट, और इसकी गाड़ी यहाँ पे आ गई है, तो बस इसको यही की काम है। गाड़ी चलाना आपको अच्छा लगता है? गाड़ी चलाना हाँ, क्या सब सीखे? गंदा लगता है, उठो तो गाड़ी से, उठ जा गाड़ी से अगर गंदा लगता है, उठ जा, चलो ऊपर ले चलते हैं, लेंटर पे गाड़ी है ना, चलो फिर ऊपर धूप में चलेंगे। देखो मेरे क्या लेडी बग, लेडी बग बोलते हैं ना इसे, हाँ लेडी बग ही है ये, धुंधला दिख रहा है मेरे कैमरे में। ये देखो ऐसे हम, ये सी पता क्या, सी हम पता क्या करते थे, वो अगर उड़ गया तो पास, अगर नहीं उड़ा तो फेल, और इसको उड़ा के ही छोड़ते थे ताकि पास हो जाए। नहीं वो उड़ेगा देख, नहीं भाई काटना नहीं मेरे को। नहीं भागे वो, देख उड़ गया, जबरदस्ती उड़ा दिया उसको। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे खुद चढ़ता है वो, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं खुद उड़ता है वो, खुद उड़ता है, हाँ बहुत सुंदर होता है ये, देखो देखो उड़ रहा है ना, बहुत ही सुंदर डॉट है इसका, वही जाएगा, नहीं उड़ जाएगा वो, उसको पंख दिए भगवान ने, वो फंसेगा नहीं। लिखो अभी ट्विन नंबर, आओ खुद उड़ेगा वो। तो फाइनली अभी हमारा डिनर वगैरह हुआ है, लेंटर से आकर के डिनर वगैरह किया, अब आपके साथ शेयर नहीं किया। और मेरी जा रही है पिकनिक, पिकनिक जा रही है। इसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है पिकनिक की ना, पिकनिक इतने दिनों से बोल के रख रही थी, पिकनिक की शॉपिंग के लिए, पिकनिक की शॉपिंग, क्या क्या लिस्ट बनाई है इसने, मुझे बोल रही है कि घर का बना हुआ पिज्जा देना, और क्या मैं लाई, बस पिज्जा ही चाहिए, घर का फ्रूट चाहिए, बस बस लिस्ट मत लगा दिखा देना, ऐसे बोल दे, ऐसे बोल दे, नहीं ऐसे बोल दे, क्या क्या बोला है, बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या, सुबह कमजोर लग रही है देखो इसको, वॉमिट, एक दिन इसने रात को उल्टियां मारी, मतलब रात को उल्टी मारी बेचारा शिवा के ऊपर। और पूरा शिवा, और जब हम बीमार थे, मेरा भी, मेरे को भी फीवर था और ये भी बीमार था, तो इसने ये इधर सोई थी, इधर शिवा सोया था, इधर मैं सोई थी, फिर इसने फिर इसने उल्टियां मारी, उल्टी मारी है शिवा के ऊपर पूरा बेचारा, हालत खराब हो गई थी इसकी, जो लेज और कुरकुरे खाए थे ना मनाली, मनाली के ट्रिप में, उसी की मेहरबानी, ठंड की वजह से हुआ आई थिंक, हाँ ठंड की वजह से हुआ, इतने सारे लेज और कुरकुरे खाए थे। और शिवा, मैं आपको लिस्ट बताती हूँ दोस्तों, पटाखे हो रहे हैं शिवा, अभी पति देव की कॉल आ गई थी, वही सुन रही थी, सॉरी। अभी भी मेरा गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और बाकी बच्चों का भी नहीं, पता नहीं कैसा अजीब सा कोल्ड है और अजीब सा फीवर है, जो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। सो गई सुबी, हाँ सो चली है, इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, इसकी पिकनिक कहीं और जाएगी, इसकी पिकनिक कहीं और जाएगी, इस हाँ चिप्स आपके साथ चलूंगा, मेरे साथ तो गया नहीं था अभी मनाली में, नहीं गया लाडे चोकोपाई, डार्क फैंटेसी, ओ माय गॉड, पिकनिक है ये, क्या है, टिक टैक, चुपा चिप्स, वैसे स्कूल वालों को करनी चाहिए, हमारी जब पिकनिक जाती थी ना तो हमारे तो वहाँ पे धाम बनती थी, हमारा जो भी पैसा है इनसे डबल पैसा लेते हैं, और धाम खाना तो खिलाना दूर की बात है, कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे इनको, ये खिलाते पिलाते हैं कुछ, आज तक कभी नहीं खिलाया ना, पैसा दुगना लेते हैं, टिक टैक, चुपा चुप्स, टिक टैक, पिज्जा हो गया बस, रुको अभी नहीं
फ्रूट आपने बनाई पिज्जा चिंगम और एक और चीज एप्पल जूस एप्पल जूस एप्पल जूस दस चीजें आ गई। आपको क्या क्या चाहिए? चॉकलेट लॉटो चॉको पाई और टिकटी एक चीज रह गई ओरियो बिस्किट और ओरियो बिस्किट वो भी चाहिए और पिज्जा भी चाहिए और मोमो हाँ जी और चौमिन चौमिन तो सब कुछ ये सब कुछ चाहिए तुझे पिकनिक के लिए। और अकेले कभी गाड़ी में बैठता नहीं देखा आपने कभी इसको अकेले बैठा हुआ? वहाँ किसके साथ बैठेगा बस में? फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएगा? हाँ गाड़ी में बैठूंगा। किसकी किसकी गोदी में बैठेगा? मैम की गोदी में बैठेगा ये बोल रहा है। मैं मैम की गोदी में बैठूंगा बस ठीक है। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली जिसको भी चाहे शेयर कर सकते हो। थैंक यू भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बॉय बॉय।